तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं ये एक सर्वर रूम है। सर्वर रूम का जो पावर का है ये एक वन सोर्स ये टू सोर्स मतलब दो सोर्स का पावर आता है। इसका रेशियो जो कि रेड और ब्लू में दिया गया है। और ये तो सिंपल था, जस्ट ऐसे पाली कट करके हमने लिंक कर दिया वापस में। ओके, इसका जो जगह में हम बैंड बनाएंगे वो आपको दिखाएंगे। और ये कुछ इस तरह का लुक आएगा, जस्ट हैशटैग जैसा लुक आ रहा है ऐसा टाइप का। हम जिसमें क्रिटिकल रहेगा बैंड बनाने का वो उसका पूरा वीडियो हम दिखाने वाले हैं। ये जस्ट देख लीजिए, इसमें 7-8 फ्लोर है, 8 फ्लोर ग्राउंड को मिला के 9 फ्लोर, 9 ऐसा वाला रूम, 9 रूम है उसका, सभी का हम दिखाएंगे। ओके, और इसका ऊपर का नज़ारा कुछ इस प्रकार से है, यहाँ पर देख सकते हैं। और हर जॉइंट हमने कुछ इस प्रकार का किया है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं ये हमने पाली तो कट किया है। ओके, ये वाला को बेंड करके इधर लगाया। ओके, और यहाँ पर एक बोल्ट फिक्स कर दिया, नीचे 2 बोल्ट, हर जॉइंट कुछ उसी प्रकार का हमने बनाया है। ओके, जो कि केबल यहाँ पर आएगा तो कुछ भी स्क्रीन नहीं होगा, इसीलिए हम ऐसे टाइप का बनाए हैं फ्रेंड्स। ये वाला जो कि डीवी को लिंक होगा, डीवी का ए साइड में कुछ इस प्रकार का बना दिया, यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला प्लेट को हमने रखा जो कि स्क्रीन नहीं होगा बोल के। ये वाला भी कुछ उसी प्रकार का, अभी ये फाइनल हो गया। और इसका जो डीबी है इधर बैठा है, देख सकते हैं ये थोड़ा स्कारफोल्डिंग के सामने में आ रहा है, लेकिन ये ऑलरेडी ये रूम फाइनल हो गया। इसका ऊपर का और जो डाटा केबल आएगा उसका ट्रे लगने वाला है, और धीरे धीरे मैं सभी ये रूम का दिखाएगा। ये होता है मेन, मतलब एमडीएफ रूम इसको यहाँ पर बोला जाता है, कोई कोई जगह में हब रूम बोलते हैं, डाटा रूम, सर्वर रूम, यही से भी होता है। ओके, तो ये कुछ लुक इस प्रकार का है, थोड़ा दिखा देता हूँ। यहाँ पर 2 लिंक देख सकते हैं, ये ब्लू वाला इधर लिंक, रेड वाला ऊपर है।